वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इन तीनों का बेसिक डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड, एसिड को डिफाइन करने के लिए तीन अलग अलग थियोरीज हैं हमारे पास। ठीक है, तीन अलग अलग थियोरीज हैं। तो सबसे पहली वाली थियोरी, अरेनियस भाई साहब की, और ये थ्योरी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है ये थ्योरी? तो ये थ्योरी कहती है कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं विच डोनेट एच प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, और पानी में H प्लस से अपना डोनेट करते हैं और फिर बनता क्या है, H3O+। ठीक है, ये जो H प्लस था ये H2O से जुड़ा और बन गया H3O+। तो अरहेनियस ने ये कहा। तो अरहेनियस ने क्या कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O+ बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन, ब्रॉनस्टेड लॉरी, ये दो अलग अलग लोग थे, इनकी थ्योरी क्या कहती है? तो दूसरी थ्योरी है, ये कहती है कि एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। ठीक है, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है ना, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है मतलब क्या, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। H प्लस बनता कैसे है? हाइड्रोजन में एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर हाइड्रोजन के पास से नेगेटिव चार्ज हटा दोगे तो H प्लस बन जाएगा। तो H प्लस क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, देख लो, हाइड्रोजन था, इसके पास एक माइनस चार्ज था मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन था। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, अब इसको हटा दिया तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचा ना। और देखो ऊपर वाली थ्योरी में हमने देखा कि H प्लस रिलीज हुआ है मतलब प्रोटॉन तो सच में डोनेट किया है। तो ब्रॉनस्टेड लोरी ने उसी बात को अलग अंदाज में कह दिया था कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। ये हो गई दो थ्योरी। तो पहली थ्योरी अरहेनियस की थ्योरी, दूसरी थ्योरी ब्रॉनस्टेड लोरी की थ्योरी, और तीसरी और आखिरी थ्योरी जो है वो लेवाइस थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी? लेवाइस थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज में सिमिलैरिटी है क्योंकि तीनों ही एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं, और तीनों थ्योरीज में से कोई भी अभी तक गलत साबित नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ड्रॉबैक्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, बट गलत साबित नहीं हुआ है। लेवाइस, लेवाइस की थ्योरी क्या कहती है कि एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स। मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेवाइस थ्योरी ने ये कहा। चलिए अब बेस का बात करते हैं। तो अब देखते हैं बेस के बारे में। तो सिमिलरली यही तीन तीन थ्योरीज बेस पर भी रही, अरहेनियस की, ब्रॉनस्टेड लॉरी की और तीसरी लेवाइस भाई साहब। तो अरहेनियस थ्योरी ने कहा कि सब्सटेंस विच कैन डोनेट या प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ज्यादा सही टर्म होगा, विच कैन प्रोड्यूस ओ एच माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी
पानी के अंदर डालोगे तो OH माइनस डोनेट कर देगा। उसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि जो बेस होंगे वो H प्लस एक्सेप्टर होंगे। मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कह रहे थे कि एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं तो बेस क्या होंगे, एक्सेप्टर होंगे। और तीसरी और आखिरी थ्योरी जो लेवाइस की है, वहां एसिड हमारे लोन पेयर्स को क्या कर रहे थे, एसिड लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो बेस जो होंगे लेवाइस बेस जो होंगे ये क्या करेंगे, लोन पेयर डोनर्स होंगे, वो एक्सेप्टर्स थे तो ये डोनर्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी जो मेरे दिमाग में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब सूंघ के या टेस्ट करके जिन्हें हम बता सकते हैं, वो क्या है। तो एसिड जो होते हैं ना, वो खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट में। जैसे कोई भी आप उठा के ऐसी चीज़ देख लो जो टेस्ट में खट्टी हो, लगभग सब में एसिड है। नींबू खट्टा लगता है, साइट्रिक एसिड होता है ना। इनफैक्ट जब इंसान को एसिडिटी हो जाती है, पेट में HCl का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो खट्टे ढकार आते हैं। ढकार आएगा, खट्टा खट्टा लगेगा, क्या है, एसिडिटी बढ़ी है, खट्टा ढकार तो आना ही है। दूध और दही को कंपेयर कर लो, दही में लैक्टिक एसिड होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एज कंपेयर टू मिल्क, तो दही खट्टा हो जाता है। इनफैक्ट अगर किसी फूड में भी एसिड का कंटेंट बढ़ जाए तो खाना हमें खट्टा लगने लगता है। जैसे खाना अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, मान लो खाना खराब हो गया, रैंसिड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एसिड का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है, वो खट्टा खट्टा लगेगा। ठीक है, फिर फ्रूट्स में साइट्रिक फ्रूट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज साइट्रिक फ्रूट है, खट्टा लगता है ना। लेमन की बात हमने कर ही ली, ये भी हो गया। फिर ऐसे जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं इनके अंदर एसिड होता है। इसके बाद आते हैं हम बेस पे, तो बेस क्या है, जो हमें बिटर लगे, तीते लगे, कड़वे तीता थोड़ा, उसको हम क्या कहेंगे, बेस। जैसे सुबह सुबह हम टूथपेस्ट करते हैं, तो जब पेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी लगता है, बिटर लगता है, कड़वा लगता है, क्यों, क्योंकि वो बेस है। सेकंड, बेस क्या है, छूने पे सोपी है, छुएंगे तो कैसा लगेगा, साबुन जैसा लगेगा, सोपी टू टच है, स्टिकी स्टिकी अजीब सा हो जाता है ना, फिसलने लगता है जी, तो ये क्या है, सोपी टू टच है, ये बेस की प्रॉपर्टीज है। तो एसिड और बेस की हमने प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, अब दुनिया में एसिड और बेस दो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। तो इनके बीच में अगर डिफरेंशिएट करना पड़े तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग में हम देखेंगे पहले एसिड और फिर देखेंगे बेस, वीक में भी हम देखेंगे एसिड और फिर देखेंगे बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, तो इन्हें पहचाने कैसे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे ना, अभी आपके लेवल पे जो समझना है वो बता रहा हूं, वो H प्लस आयन बहुत जल्दी डिसोसिएट करेंगे। H प्लस आयन डिसोसिएट बहुत जल्दी करेंगे, बहुत हाई रेट पे डिसोसिएट करेंगे। सिमिलरली ये एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस डिसोसिएट करेगा एट अ वेरी हाई रेट। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप सभी को पता है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारा, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद वीक एसिड और वीक बेस क्या होगा, तो वीक एसिड्स जो होंगे वो एच प्लस आयन डिसोसिएट स्लो करेंगे और ये ओ एच माइनस डोनेट डिसोसिएट स्लो करेगा। इसके बाद आता है पीएच, पीएच
पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कह लो, पोटेंशियल हाइड्रोजन कह लो, आपका मन, एक हमारा भाषा है, एक विदेशी, एक्चुअली दोनों ही विदेशी हैं, एक इंग्लिश है जो हमें आती है, पोटेंशियल वाली भाषा में नहीं आती और थोड़ी ज़्यादा विदेशी हो गई, ठीक है। तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस जो कह लो, क्या होता है? तो पीएच स्केल एक पैरामीटर है, एक पैमाना है नापने का कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे नापी जाए। तो किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर करें कि हाँ ये वीक है ये स्ट्रांग है, तो हम एक पैरामीटर बना लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे बताता हूँ, अरे यार वो तो 30 kg का भी चीज नहीं उठा पाता, कमजोर आदमी, 30 kg तो वो एक हाथ से ही उठा लेता है ऐसे बड़े आसानी से, स्ट्रांग है। तो एक पैरामीटर हमने बनाया ना, तो वैसे ही केमिस्ट्री ने एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया, उसे कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखो, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, बीच में आता है 7, ये 7 हो गया न्यूट्रल, 0 हो गया एसिडिक और 14 हो गया बेसिक। तो बस दो चीज समझनी है, काम खत्म। इधर से इधर आओगे, एसिडिटी इंक्रीज करेगी, इधर से इधर जाओगे बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। मतलब यहां पर जो होगा वो बहुत अच्छा एसिड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग, और जो यहां पर होगा वो वीक एसिड होगा, यहां पर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो यहां होगा, देखो बेसिसिटी उधर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इधर वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर वाला वीक बेस। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में कुछ बातें। जितने हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, जो ऑर्गेनिक होंगे वो वीक एसिड्स होते हैं। सिमिलरली ये चीज अप्लाई बेस के लिए भी होता है, ठीक है, बेस पे भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और, लिटमस पेपर क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई 3-4 सैंपल रख दिए जाए सॉल्यूशन के और बोला जाए बताओ कौन एसिड है कौन बेस है, तो अब सारे एसिड्स तो हम चाट चाट के बता नहीं सकते, HCl चाटने गए छपाक हो गया है ना, छपाक से पहचान ले गया, हालत खराब। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम दिमाग लगाते हैं कि चलो भैया इंडिकेटर्स यूज कर लिए जाए। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एसिड या बेस में डालने पे ये अपना कलर चेंज करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये एसिड है, हाँ ये बेस है। तो ऐसा ही सबसे कॉमन इंडिकेटर हमारे पास जो है वो है लिटमस पेपर। क्या है लिटमस पेपर? लिटमस पेपर क्या करता है कि अगर लिटमस पेपर को उठाकर एसिड में डालो, अच्छा इससे पहले एक बात जान लो, लिटमस पेपर जो होता है ना वो बनता कैसे है, ठीक है, लिटमस पेपर बनता कैसे है। तो एक चैप्टर पढ़ी होगी 7-8 में, जिसमें पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में, लाइकेन्स के बारे में, ठीक है, लाइकेन्स के बारे में, एल्गी और फंगी का बड़ा अच्छा सिंबायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इन लाइकेन्स में से निकाली जाती है एक डाई, और ये डाई बनती है आगे चल के हमारे लिए क्या, ये डाई हमारे लिए आगे चल के बनती है इंडिकेटर, ठीक है, ये डाई हमारे लिए आगे चल के क्या बनती है, इंडिकेटर। और ये और कुछ नहीं, खुद ही लिटमस है,
लिटमस होता क्या है, लिटमस एक डाई होता है, और इसका जो इनिशियल कलर जानते हो क्या होता है, इसका इनिशियल कलर ना पर्पल होता है, मतलब जिस जब इस डाई को ऑब्टेन किया जाता है तो ये पर्पल कलर डाई होती है। अब इसको दो कलर का बनाया जाता है, दो कलर का बनाया जाता है, और फिर एक पेपर में इसको सोक करके, मतलब पेपर को उस डाई में डुबा लिया, डुबा के निकाल के सुखा दिया कि वो डाई उसी में चिपकी रह जाए। दो कलर का बनाते हैं, एक बनाते हैं ब्लू और एक बनाते हैं रेड। अब ब्लू वाले को जब एसिड में डालोगे तो ये हो जाएगा रेड, ब्लू टू रेड। कौन करेगा? एसिड। देखो एसिड खतरनाक होता है ना, खतरा का कलर रेड, तो ब्लू टू रेड कौन करेगा? एसिड। ठीक है, ब्लू टू रेड कौन करेगा? एसिड। अब अगर रेड वाले को डालोगे बेस में तो वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड वाले को डालोगे बेस में तो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। क्या है? बेस। तो रेड टू ब्लू बेस करता है। ठीक है, बेस ठंडा ठंडा लगता है ना, सिंथॉल से नहाते हो, ठंडा ठंडा साबुन है ना, ठंडा ठंडा। तो क्या है ठंडा का कलर? क्या होता है? ब्लू। रेड टू ब्लू कौन हुआ? बेस हुआ। तो एसिड और बेस लिटमस पेपर पर किस तरीके से एक्ट करते हैं ये देख लो। ठीक है, ये दोनों चीजें देख लो, सिंपल है। और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में इसके बाद जानना है, जैसे टर्मरिक, टर्मरिक के साथ टर्मरिक हल्दी। क्या होता है कि खाना वाना खा रहे हैं, गिर गया कपड़े पे, लग गई हल्दी। अब हल्दी को हम जैसे ही गए धोने, जैसे ही साबुन रगड़ा, वो हो गया लाल कलर का। क्यों क्यों हो गया लाल कलर का? तो ये इंडिकेटर है, टर्मरिक एक तरह का इंडिकेटर है। जी हाँ, तो टर्मरिक पर जब कोई बेस जाता है ना तो टर्मरिक रेड कलर का हो जाता है, ये उसका इंडिकेशन है कि हाँ भैया बेस मेरे ऊपर आ गया है। फिर और भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास, चाइना रोज है डिस्कस, वो भी एक इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर है। तो ऐसा हमारे पास इंडिकेटर का एक बड़ा सा रेंज मौजूद है, बट सबसे ज्यादा रिलायबल लिटमस पेपर सबसे सटीक वैल्यू देता है, सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे चीप है, आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं हम लोग लिटमस को यूज करते हैं, और वाइडली यूज, वाइडली नोन भी है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस की वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब अगली वीडियो में देखते हैं रिएक्शंस वगैरह।